अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि माँ सो रहा है, अभी तक सो रहा है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अभी टाइम दिखाता हूँ। मैं तो रेडी हो चुका हूँ नाश्ता करने के लिए। ये देखें टाइम हो रहा है 12:30, ये बंदा अभी तक सो रहा है, इसको नाश्ता करने का भी होश नहीं है। माँ मैं तो जा रहा हूँ नाश्ता करने क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ नाश्ता करने जा रहा हूँ ना, जाओ मैं नाश्ता करके आ जाऊँ फिर तुम्हें आके उठा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि तुम अभी बहुत नींद में हो, नहीं जाओगे। अल्लाह हाफिज। ओके तो सही कर रहा ना, मैंने उठा दिया। चलो मैं जा रहा हूँ, फिर आके मिलता हूँ इंशाल्लाह। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और मैं उठ चुका हूँ, बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ। मैंने उससे पहले कोई व्लॉग नहीं बनाया, मैंने बोला हमेशा सोते वोट के व्लॉग बना रहा हूँ, तो आज फ्रेश होकर बनाता हूँ। तो अंदर चलते हैं, भाभी भैया के कमरे में ये सब उठे हैं। ओ मॉर्निंग मॉर्निंग, ये आप सब तो आ गए, लेकिन ये देखो मुझे उठाकर ये खुश हो गए। उठो चलना नहीं है, लेट हो रहे हैं। तीन बज गए, 3 दोपहर के। कब करेंगे ब्लॉग, कब घूमेंगे? अभी अभी लेटा था। आ जाओ आ जाओ, बस आ जाओ। चलो रेडी हो, रेडी हो, रेडी हो, रेडी हो, रेडी हो अभी। सो लेट्स गो। मास्क लेकर आना अपने अपने। मास्क किधर है आपका? लाजमी लगाना है। ओ तेरी हुई 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 हुई, क्या हवा चल रही है बाहर भाई। यहाँ पर धूप में भी ना सर्दी है। और ये है भाई माल रोड, अभी सुबह रश शुरू हो गया है यहाँ पर। सुबह जैसी शुरू होती है वैसे लोग आना शुरू हो जाते हैं और रात तक यहाँ रहते हैं, रात तक चलते फिरते रहते हैं। हालांकि इतनी कोई खास चीजें नहीं है, सामान नहीं है यहाँ पर खाने पीने का ना लेने का, सिर्फ शॉल के अलावा। और लोग अगर रश स्टार्ट है तो क्योंकि लोगों को पता है यार ये हलचल की जगह है। भैया कहाँ रह गया? भैया अभी तक आया नहीं, देखो यार आ गए भाई, आ गए लेट लतीफ। सो भाई गाड़ी की बात हो रही है, अभी गाड़ी कौन सी लेते हैं? आज हमें जाना है दरियाए नीलम। देखो भैया बातें कर रहे हैं, हो जाती है नहीं हो जाती, गाड़ी कितने में करवा लूं? बुकिंग करवाओ, मैं आ रहा हूं। कहाँ जा रहे हो तुम? बैलेंस करवा के आ। चलो चलो चलो, हो गई भैया हमारी गाड़ी और भैया भी आ गए इतने। ये खड़ी हमारी गाड़ी, भाभी भैया दोबारा पीछे बैठे हैं। तुम लोग की बारी, शाबाश तुम तीनों बहन भाई होगी। चलो बैठो, जाओ 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 जाओ, और मैं आगे बैठूंगा। टूट ना जाए, अरे इतना मरमर के ऊपर हो रहा है। तो जिस रोड से कल गए थे आज भी उसी रोड से जा रहे हैं, बट लेकिन देखो आगे चेंज होते जाता है या नहीं होते जाता है। भाई यहाँ से कश्मीर की पहाड़ियाँ दिखती है भाई, कौन सी पहाड़ी है बताओगे जरा? मुझे तो नहीं दिख रही कश्मीर की पहाड़ी, इनमें से कोई होगी कश्मीर की पहाड़ी। कश्मीर भी हमें जाना है इंशाल्लाह, उसका टूर भी जल्दी करेंगे। ओ भूख लगी, 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 ओ नाश्ता, ओ नाश्ता, ओ नाश्ता, ओ नाश्ता। भाई नाश्ता करा दो यार, अच्छा सा हेल्दी सा। भाई बोल रहे आगे सिर्फ चाय और पराठा मिलेगा, लेकिन हमें खाना है हेल्दी सा नाश्ता, लाजमी है। क्योंकि जब आप पहाड़ी इलाके पे आए और हेल्दी नाश्ता ना करें तो फिर पहाड़ी इलाके पे अगली बार से नहीं आना बेहतर। सो यार प्लीज भाई मैं आपके हाथ दबाता हूँ, आप नाश्ता करवा दे प्यारा सा। आ गए होटल पे, आ गए होटल, आ गया। अरे ये यहाँ से नहीं खुलता, बाहर से। अबे इसका भी बाहर से खुलेगा, सारी पिजेरो का गेट बाहर से खुलता है, अंदर से खराब हो चुका है। अब ये ब्लॉग देख रही हो, आ जाओ। मैंने अभी ब्लॉग डाला था 2:30 दोपहर के, 2 ब्लॉग डाले थे अपलोड किए थे। तो अभी नाश्ता करते हैं और नाश्ता के बाद फिर जाएंगे आगे। बना दे दाल रोटी और पराठे और चाय। इधर किधर बैठना है? इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ, उधर इधर बैठ के व्यू देख के खाएंगे यार। क्या व्यू आ रहा है, नहीं दिख रहा। क्या हो गया, थोड़ा बंद कर दो, पहले नाश्ता कर लो अच्छा सा, फिर देख लेना। मीन हमारा तो नाश्ता है, लेकिन ये है खाना दाल रोटी। अब क्या करें, सुबह उठे ही लेट थे। अब रोटी आई है और पराठे आए, टाइम हो गया है 2:55 और यहीं पर सारा टाइम हो गया। मुझे लगता है शायद रात को देखेंगे दरिया नीलम, अभी भी 1 घंटा है पहुँचने में। बनाओ बनाओ वीडियो बनाओ, देख रहा हूँ। क्यों देख रहे, पीछे मुझे भी देख रहे? देख रहा हूँ, नहीं देख रहा, नहीं देख रहा। और भाई फिर दाल भी आ गई हमारी, 2 दाल ही बताइए सिर्फ। अच्छा अंडा अगर उबाल सकते हो तो अंडा उबाल के ले आओ, चले फ्राई अंडा लिया, चल मजे गाओ, लेकिन ना मसाले वसाला वाला। भाई इन लोगों ने यहाँ खाना खाना स्टार्ट भी कर दिया, बहुत भूख लग रही थी तो वो कहीं नहीं गया बिल्कुल भी, तुम क्यों नहीं खा रहे? मैंने तो अभी नाश्ता किया था, लेकिन जब आपको पता है जब खाना आता है तो मुझे भूख लग जाती है, तो मैं भी खा लूंगा। बड़े मजे का पराठे और ये दाल, अभी अंडा भी आ रहा है। आ जाओ आ जाओ, अंडा मेरा अंडा, आ जाओ अंकल भी हंस रहे भैया आपके। फटाफट से खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जाते हुए आपसे भाई आपको दिखाता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा कोका कोला की बोतल का ढक्कन। सबसे पहले भाई कोका कोला की इन्वेंशन हुई थी, सबसे पहली बोतल जो बनी थी सबसे बड़ी, उसका ढक्कन ये रहा सबसे बड़ा। तो अंग्रेज अगर देख रहे तो यहाँ से आके ले जाए, लेकिन बहुत महंगा है, करोड़ों अरबों रुपए का है। आप लोग बैठो, मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ आगे, मुझे जाना है स्टोर पे, कुछ थोड़ा बहुत सामान ले लेता हूँ, रास्ता थोड़ा लंबा है तो खाते पीते जाएंगे। तुम क्यों आ गई, जाओ तो पानी बोटल ले लो, कोकोमो भी ले लो, बाकी 2-3 चॉकलेट भी ले लो। चलो तुम लेकर आ जाओ, ठीक है जी। भाई क्या हो गया, कहाँ चले गए, कब से वेट कर रहा हूँ, आ गए बस। ओए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, देख कर। ठंड में तो ना हल्की सी चोट लगती है ना, तो बहुत तेज लगती है ठंड में। कल बोल रहे थे इस जगह पे रुक जाओ, ये जगह बहुत अच्छा पॉइंट है ये, लेकिन हमने बोला नहीं अंकल हम बहुत लेट हो रहे हैं, हमें आगे डायरेक्ट लेके जाए वहाँ पर। क्यों भाई रुकना है क्या? नहीं ना भैया रुकना है, नहीं नहीं डायरेक्ट भैया मुद्रे जरा
डीजल डलवाने के लिए हमारी गाड़ी में डीजल खत्म हो चुका है और अभी भी तकरीबन 20 किलोमीटर में जाना है, अभी तक सिर्फ 20 किलोमीटर हुआ है। नीचे उतरते आ रहे हैं, उतरते आ रहे हैं, उतरते आ रहे हैं। दरिया नीलम नीचे है, पहाड़ों के बिल्कुल नीचे। अरे कहाँ रह गया भाई दरिया नीलम, किधर रह गए भाई तुम? सब सो गए, सब थक गए। यार बस आ जाए यार। भाई कितने मिनट रह गए? 4 किलोमीटर रह गए। आने तो बंद करो यार, वो दरिया नीलम दिख गया। अबे ये तो कल वाले चाचा है। हमने आपको कॉल भी की हमें लेकर आओ, तो हमसे पहले पहुंचे हुए हो? पहले पहुंच गए। चलो कोई नहीं कोई नहीं, आलम बिल्कुल ठीक, हम भी पहुंच गए। देखो चलो ठीक है बस यार। हमारा सुबह में आपका वेट किया काफी देर, आपने कोई रास्ता नहीं किया। हम लोग लेट उठे थे, लेट उठे, फिर मैंने सुबह के साथ बात कर लिया मैंने, हमारा छोटा भाई। चलो कोई मसला नहीं। ये वही अंकल ने जो कल हमें लेके गए थे पटरियाटा में, और आज ये खुद ही पहले हमसे आ गए और अब हम उतरेंगे। तो अभी हम जाएंगे चलते 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 चलते, इधर से नीचे रास्ता जाएगा उधर तक, वहाँ पर चरपाइयाँ वगैरह लगी है सारी। देखो यहाँ बैठते नहीं बैठते, क्योंकि कल वाले की तरह प्रैंक ना हो जाए। ये लोग बोलते खाना खा लो, पैसे नहीं बताते। पहले हम पूछेंगे कितने पैसे हैं, कितने चार्जेस हैं, उसके बाद हम अपने आपको प्रैंक होने देंगे, वरना नहीं देंगे। आ गए भाई नीचे आ गए। तो भाई स्नैपे खत्म नहीं हो रही। सपा भैया किधर है? वो आ गए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो पाँव डाले में पूरे पूरे पानी में, मैं तो नहीं डाल सकता, तुम लोग डाल सकते हो पानी में पाँव? अंकल पहले ही मेन्यू लिया है, मेन्यू दिखाया, मेन्यू में कितने कितने का बिल है? वो तेरी 3000 150 रुपये कोल्ड ड्रिंक। पीसी होटल में आ गए, पीसी होटल में एक चिकन पकौड़ा। आप डिस्काउंट कर देंगे ना भाई? बिल्कुल, बस डिस्काउंट कर दें इसमें चिकन पकौड़ा में, और बाकी फिर बाकी चाय दे दें दो। ये बोल रहे हैं कि सबके लिए एक ही रेट है यहाँ पर, मेन्यू बना के रखा हुआ है, जिसको खाना है खाए, नहीं खाना नहीं खाए, लेकिन हमें ब्लॉग के लिए तो खाना पड़ेगा ना। क्या सभा बैठ गई भाई, शूज उतार के, उसको पहले ठंडी लग रही। भैया भाभी बैठने जा रहे तो मैं भी चलता हूँ। जोए कैसा है पानी? ठंडा है? तुम्हें को डर लग रहा है यार? जाऊँ ना पाँव डालो ना पानी के अंदर? सर्दी हो रही है, कराची वालों को तो बहुत डर लगती है वैसे भी। आप भी पानी में चली पाऊँ? ओए होए ओए होए भाई, मैं तो पानी में नहीं जा रहा क्योंकि पानी बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर हो रही है पिक्चर्स और माजबो खड़ा हुआ। क्या कर रहे हो? खाने का वेट। अबे खाना भी तो है, पकोड़े, मजा आएगा। जाओ आ जाएगा खाना। दुबई में क्या हुआ था? दुबई में लोग मुझे बोले थे पिक्चर लो, पाकिस्तान में इनको लोग बोले पिक्चर लो, दुबई में लोग मुझे समझ रहे थे ये फोटोग्राफर ये सबसे प्रोफेशनल वाला, और अभी इसको समझ रहे प्रोफेशनल फोटोग्राफर ये। वाह क्या पिक्चर ली है। अंकल जब देखेंगे इसका बोलेंगे मजा नहीं आया, मुझे ना बुला ले, भाग जाओ भाग जाओ। चुप जाओ। भैया को जबरदस्ती ले गई भाई पानी के अंदर। क्या हुआ? डालो पाओ, डालो शाबाश, डालो। जबरदस्ती लेके गई भाभी भैया को पानी के अंदर। शाबाश शाबाश। उई 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 उई। अबे कमीज तो ठीक कर लो। अबे भाई राइफल में यार ये बंदा। हाथ को क्या हुआ? हाथ उधर। वाह वाह। फाइनली खाना हमारा आ रहा है, वो आ रहा। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, सारे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ आ जाओ। अच्छा ये पूरी पूरी चिकन है, मैं समझा चिकन पकोड़े। ये पूरी पूरी चिकन है, चिकन के ऊपर कोटेड हुई हुई है पकोड़ों की, आई थिंक सो। मजेदार। साथ साथ हमारी जो हड्डियाँ बच रही है वो हमारा ये डॉगी खा रहा है साथ साथ, जो जो हड्डियाँ बच रही है वो उसको बेचते हैं। ये देखना खा लेगा, ये हड्डियाँ खा रहा है, इसको गोश्त दिया था गोश्त नहीं खा रहा था। उसके बाद फिर भाई हमने पी चाय, क्योंकि चाय ठंड में पीने का अलग ही मजा है, चाय लव है। यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही चाय पी रहे हैं, कोई पी नहीं रहा, मंगवाते हैं लेकिन सब छोड़ देते हैं। भाई वापसी ऊपर जा रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो। अच्छा नीचे वालों को आ जाओ आ जाओ, ऊपर वालों को चलो चलो। तो मगरिब की अजान हो रही है यहाँ पर, मगरिब हो चुकी है, तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ क्योंकि रात हो जाएगी, रात में रास्ता दिखता नहीं है फिर कुछ भी, तो लेट्स गो। तो बहुत तेज आ रहे हैं, टाइम अभी 5:20 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट रात हो चुकी है इधर, तो मतलब अंधेरा हो जाता है, जैसे ही सूरज जाता है ना वैसे अंधेरा हो जाता है सब जगह पर। साथ ही साथ चलते चलते मरी जाते हुए एक बाजार आया, ये बाजार का नाम मुझे नहीं पता, अंकल आप बताएं अंकल ये कौन सा बाजार है? देवल शरीफ बाजार है। तो मरी जाते हुए नीचे से ऊपर बाजार आता है, यहाँ पर हर चीज मिलती है, हर चीज, जैसे वो देखो वो शूज की दुकान है और ये शूज की दुकान, देखो कैसे प्यारे प्यारे शूज भी, देखो जो कराची में मिलते सारे इधर लगे हुए। इतना कंजेस्टेड बाजार है ना ये, मतलब एक गाड़ी की जगह है और दो दो गाड़ियाँ निकल रही है यहाँ से। अरे जितने भी यहाँ के ड्राइवर है ना सारे स्मूथ है यार, सबको पता है किस तरह निकालनी है गाड़ी, किस तरह नहीं, लाइक ऐसे ऐसे, ये देखो कितना फंस फंस के निकलेंगे, देखो कितनी सी जगह होती है यहाँ पर उस साइड पर, देखो
और तीन गाड़ियां खड़ी कर दी भाई। पहले कितनी स्पीड में चलती थी गाड़ियां यहाँ पर? 100 की स्पीड में चलती थी यहाँ, और अब कितनी स्पीड में चलती है? 15-20 की। ये बोल रहे आबादी ज्यादा हो गई तो स्पीड भी गाड़ी में कम हो गई, वरना 100-100 की स्पीड में गाड़ी ऐसे जाती थी। करीब पहुंच गया बस, अब ऊपर जाएंगे मरी हिल्स आ जाएगा। आ गए फाइनली मरी के माल रोड पे। रश ज्यादा ज्यादा भाई शुरू हो चुका है, दिन में कम था, देखो अभी कितना हो गया। भैया तो बोट टंडोरी तुम्हारा हाथ में ले जरा जल्दी लग रही है। और जाओ पानी में, और जाओ। थैंक यू सो मच भाई, अल्लाह हाफिज़। आज हम यूपी से नहीं जा रहे क्योंकि नीचे ज्यादा रश है, सीढ़ियों से जाएंगे। आज आज जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, वॉशरूम आ रहा है, जल्दी खोलो। तुम्हारे वॉशरूम का क्या हुआ? तुम जो आ रहा था सबर। अच्छा, और यहाँ देखिए ये मेरा है वॉशरूम, कितना मैंने गंदा कर दिया। मतलब ना बॉयज वॉशरूम तो यही होता है, एक यूज किया दूसरा दिन दूसरा यूज किया इस तरह। और रूम भी देख लो मेरा भाई, इतना गंदा। दोनों बेड में यूज करो दोनों, मतलब जैसे गर्मी यहाँ ज्यादा लगती है ना रात के टाइम ना, ये बहुत तेज हो जाता है। तो मैं यहाँ से उठ के फिर यहाँ चले जाता, फिर यहाँ से उठ के यहाँ। उस दिन से मेरा सर्विस ही नहीं कराई, गोली खानी पड़ी है यार। मतलब कि रात जागता हूँ पर सुबह लेट उठता हूँ, तो इस वजह से ना, तो गोली खाकर फिर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बस यही चल रहा है, और एंजॉय करो आप लोग, बस व्लॉग देखो एंजॉय करो, क्योंकि मैं तो सिर्फ व्लॉग बनाऊंगा और आप लोग को एंजॉय करवाऊंगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और गाइस लव यू लव यू लव यू, बाय बाय। भाई यहाँ तो सब सो गए, सब सो गए। ओ भाई ओए, तुमको जाकर आके फाड़ कर। इमरजेंसी किस चीज की? हाँ यही इमरजेंसी, बाकी तो सब सो गए यहाँ पर, सो बस खत्म। हाँ लाइट पड़ ली है शायद, उठ रहा है ये भी, क्या हुआ? बस नींद में सारे, बाय बाय।